हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हम सब भी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, बहुत ही कॉमन टॉपिक देखने को मिलेगा कि सर इस बार मुझे पीटी का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा मैं पीटी के लिए प्रिपेयर हूँ या फिर मेरा इतना सिलेबस है वो अभी रह गया है, या फिर जब मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ तो लगभग मैं 30 से 35 ही क्वेश्चन कटवेट के मेरे ठीक हो पाते हैं। तो मुझे इस बार क्या पेपर छोड़ देना चाहिए, या फिर 30-35 क्वेश्चन मेरे कुछ ठीक हो पा रहे हैं तो मैं कैसे इसको और ज्यादा इंप्रूव इनहांस कर सकता हूँ और लगभग मैं 55 से 60 के बीच में इसको ले जा सकता हूँ। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए इन 60 से 70 दिनों के अंदर, क्योंकि ये जो 60-70 दिन होते हैं ये ही डिसाइड करते हैं कि आपका पीटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। क्योंकि सिलेबस तो हर कोई प्रिपेयर करके बैठा है, लेकिन आप कैसे बहुत अच्छे से कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। देखिए, जो ये वीडियो होने वाली है लगभग 5 से 10 मिनट की होगी, लेकिन पेशेंस के साथ जिसने इस वीडियो को देख लिया उसके आगे के लगभग में 10-15 महीने बच जाएंगे। और जो भी देखिए इस वीडियो, मैक्सिमम लोग, कोई भी नहीं कहता कि हमारी वीडियो को अनलाइक करके चाहिए, लेकिन हम आपसे बोलते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं अगर वो क्लियर ना हो तो आप वीडियो को अनलाइक करके सही, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी में किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं आईएएस और पीसीएस पेपर के लिए प्रिपेयर हूं या नहीं हूं, या फिर मुझे अभी क्या करना चाहिए 60 से 70 दिनों के अंदर, और आप कैसे अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव इनहांस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। देखिए हम लोग क्या देखेंगे इसमें, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आप लोग पीटी के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं है, और अपने आप को किस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए, और आपके जो क्वेश्चन है 30-35 क्वेश्चन लगभग में ठीक हो रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं है, या फिर सभी के साथ में ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर विजन 365 है, वो भी सुबह 10 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से प्यार देते रहिए, आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग पीटी 2022 पेपर दे रहे हैं तो। ओके, और अपना क्लब है वो आप लोगों के प्यार की वजह से काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे, हम सभी लोग आप लोगों के साथ में है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीटी कैसे क्वालिफाई करें, चाहे वो आईएएस का हो या फिर पीसीएस हो, किसी का भी हो। अगर आईएएस, जो आईएएस या फिर पीसीएस किसी का भी पीटी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपके लिए किसी आइंस्टीन दिमाग की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक संतुलित तैयारी करना है, मतलब आपको मैनेज करके आपको अपने सिलेबस को प्रिपेयर करना है। मतलब आपको क्या करना है, एक संतुलित तैयारी करना है। जो इस संतुलित तैयारी को करना सीख गया, समझ लीजिए, वो पीटी को क्वालिफाई कर गया हर वक्त। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा, जिसका एक बार पीटी क्वालिफाई हो जाता है उसका लगभग में हर साल पीटी क्वालिफाई होता रहता है। क्यों होता रहता है, क्योंकि वो समझ जाता है उसकी नीश को, उसे क्या करना है। देखिए संतुलित तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, संतुलित तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना होगा। आपको क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। देखिए अब फोन भी, पहले नोकिया 1208 चलता था, फोन भी क्या आ गया, स्मार्ट आ गया। जब से स्मार्टफोन आया आप उसमें लीन रहते हैं एकदम, आपको जेल, आप जेल में डाल दो और किसी को मोबाइल दे दो और वो एक महीने तो उसमें पड़ा रहेगा, उसको खाना दे दो और मोबाइल दे दो, इंटरनेट वहां पर हो, वो मौत से अपनी जिंदगी काट सकता है, क्योंकि आज हमारा जो फोन है वो कैसे है, स्मार्ट है। इसीलिए और आपको भी अब क्या होना होगा, स्मार्ट होना होगा। यूपीएससी कहता है कि अब उनको स्मार्ट लोग चाहिए, तो वो स्मार्ट लोगों को लेगा, तो आपको क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, तो आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क किस पर करना होगा, स्मार्ट वर्क किस पे करना होगा, आपने हेयर स्टाइल चेंज करना होगा, यानी कि लाली लिपस्टिक अच्छे से लगाना होगा, नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है अपने सिलेबस के ऊपर, किसी बुक के ऊपर नहीं, बल्कि आपको अपने सिलेबस को प्रिपेयर करना है। जैसे आईएएस का देते तो आईएएस का, पीसीएस का देते हैं तो पीसीएस का। देखिए सिलेबस में दो चीजें होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ये चीज नोट कर लीजिए, हर जिंदगी भर काम आने वाली है, भले ही आप 5 साल के बाद पेपर क्यों ना दे रहे हो, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। देखिए सिलेबस हर कोई प्रिपेयर करता है, यानी कि सिलेबस को हर कोई कवर करता है। तो कवर है वो कितने दिनों में किया जाता है, देखिए कवर है वो लगभग में 1 साल से लेकर के आपको देखने को मिलेगा 1.5 साल तक का समय लग जाता है सिलेबस को प्रिपेयर करने में। तो सिलेबस तो हर कोई प्रिपेयर करता है। ओके, आप लोग भी अगर पीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप प्रिपेयर करके रखे होंगे, भले ही 100% नहीं, लेकिन 80% 90% सभी का प्रिपेयर होता है, 100% तो किसी का भी प्रिपेयर नहीं होता है। पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको 100% क्वेश्चन ठीक नहीं करने, लगभग में जनरल कैटेगरी में 52-53 क्वेश्चन होते हैं वो पीटी क्वालिफाई कर लेता है। तो
आपको यहाँ पर दूसरा देखिए, एक तो सिलेबस को आपको कवर करना है, कवर तो हर कोई करके रखता है, लेकिन पीटी क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, अब जो आपके लगभग में 90 दिनों से लेकर के 60 दिनों का समय बचता है ना, इसमें आपके लिए स्मार्ट रिवीजन करना होगा। क्या करना होगा? स्मार्ट रिवीजन करना होगा। देखिए स्मार्ट रिवीजन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जगह जगह नहीं है इसलिए हम आगे लिख देते हैं। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं ये स्मार्ट रिवीजन क्या है, ये स्मार्ट रिवीजन कैसे किया जाता है। भाई जो एक बार पीटी क्वालिफाई कर लेता है वो हर बार कैसे पीटी क्वालिफाई करता रहता है, उसके पास कौन सा ऐसा जिनका चिराग आ जाता है, जिनों का चिराग आ जाता है। ओके जिन आता है निकल के उसको पीटी क्वालिफाई करा देता है, जिन नहीं आता है, सबसे पहले अगर आप स्मार्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके पास में आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और शॉर्ट नोट्स तो लगभग में सभी विद्यार्थियों के पास में होते हैं। जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कभी भी दूसरे के रेफर नहीं करने हैं, शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके द्वारा बनाए गए हों, आप दूसरों के देख सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ उसने किस तरह से बनाया है, किस किस तरह से सिनॉप्सिस बनाया है, किस तरह से फ्लो चार्ट बनाया है, लेकिन शॉर्ट नोट्स हमेशा आपके ही होने चाहिए। आपके पास जो भी आपने साल भर 1.5 साल पढ़ करके जो नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनके थ्रू मल्टीपल टाइम जल्दी जल्दी क्विक रिविजन करिए। क्या करिए? क्योंकि रिविजन आप लोगों को करना है। इसके अलावा देखिए आपको रिविजन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप कब तक अपने इसी नोट्स को उठा करके रिविजन करते रहेंगे? रिविजन है अब दूसरी तरह से करना है। रिविजन करने के लिए आप अपने मैपिंग के थ्रू रिविजन करना है। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री में आप देखिए कहाँ कहाँ पर आंदोलन हो रहा है, हड़प्पा कहाँ पर है, आपने देखा कि उसमें कौन कौन सी नदियां थी, अब उसको लिंक करिए, ज्योग्राफी से लिंक करिए, हल्के हल्के जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब उसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट करिए, उस समाज से कनेक्ट करिए। ओके ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं देख रहे हैं अच्छा इधर से नदियां नहर निकलती हैं तो यहाँ पर ही मुख्य मुख्य नगर है, यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है, अच्छा ज्योग्राफी में पढ़ा यहाँ पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है तो इस प्रकार की यहाँ पर अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अर्थव्यवस्था इस प्रकार की पाई जाती है तो यहाँ पर इस प्रकार का समाज पाया जाता है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लिंक करते हुए पढ़ रहे हैं। मैपिंग को सामने रखिए, अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिविजन करिए। इसके अलावा जब आप करंट अफेयर पढ़े तो करंट अफेयर के थ्रू आपको रिविजन करना है, मतलब अपने रिविजन का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्टडी। देखिए इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे तो एमसीक्यूज के आंसर निकलने लगेंगे, क्योंकि आप लोग जब भी क्वेश्चनों को देखेंगे तो क्वेश्चन होते हैं मिक्स पूछे जाते हैं, एक स्टेटमेंट करंट अफेयर का होता है, दूसरा स्टेटमेंट आपके सिलेबस से दे देता है। ओके जब आप इसको मिक्स कर देंगे ना तो आराम से आपके आंसर निकलने लगेंगे, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्टडी। ओके इंटीग्रेटेड स्टडी। ओके अब देखिए इंटीग्रेटेड स्टडी है, यही आपकी क्या कराती है, सिलेबस में बहुत ज्यादा हेल्प कराती है प्रिपेयर कराने में, क्योंकि सिलेबस तो हमारा बहुत बड़ा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जो करंट के टॉपिक चल रहे हैं ना इन्हीं टॉपिक को अपने सिलेबस में देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चिल्का झील है वो न्यूज में आ गई, तो चिल्का झील देख लिया, अच्छा इस बार इंपॉर्टेंट हो गई है, चिल्का झील किसी भी कारण से न्यूज में रही हो देख लीजिए अपने सिलेबस में, चिल्का झील है ज्योग्राफी में देखिए चिल्का झील है तो उसमें कौन कौन सी लोकेशन, उसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार की झील है, खारी है, मीठी है, क्या है, लैगून झील है, देखिएगा कौन सी नदी से उसका संबंध है। ज्योग्राफी देखिए, हिस्ट्री देखिए, उसकी हिस्ट्री देखिए कि वहां पर किस प्रकार का समाज पाया जाता है, आसपास क्या है, सब कुछ देखिए। करंट अफेयर आपको क्या देता है, टॉपिक देता है, उसी टॉपिक को सिलेबस से जैसे ही लिंक करेंगे क्वेश्चन आने के चांसेस वहां से बढ़ जाते हैं। ओके इसके अलावा देखिए दो चीजें और होती हैं अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, एक एमसीक्यूज के थ्रू, मतलब जो एमसीक्यूज होते हैं उनके थ्रू आप अपने सिलेबस को रिवाइज करिए। जैसे कि आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया तो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज निकाल लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज निकाल लिए, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं, वनडे एग्जाम हुए हैं वो भी उठा लीजिए, एक बार देख लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि रिविजन हो जाएगा। ओके कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लाइए, उसको लगाइए। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी देना है। क्या देना है? टेस्ट सीरीज देना है। देखिए जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो इन दोनों से एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज ये किस में हेल्प करते हैं, आपके स्वयं मूल्यांकन में हेल्प करते हैं, सेल्फ असेसमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे हैं लेकिन ये आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप वीक हैं, कहाँ पर आप स्ट्रांग हैं, और इसी के आधार पर आप अभी स्ट्रेटजी बनाएंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है हम मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो देखिए सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है, सेल्फ असेसमेंट से आपको क्या मिलता है। ओके तो देखिए अगर हम सेल्फ असेसमेंट की बात करें,
अगर हम सेल्फ असेसमेंट की बात करें, जब भी आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे आप अपना, तो आपको पता चलेगा टॉपिक्स के बारे में, किसके बारे में, टॉपिक्स के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। देखिए जब आप एमसीक्यूज या फिर जब टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको टॉपिक मिलेंगे, किस प्रकार के टॉपिक मिलेंगे, देखिए कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको हलवा की तरह सॉल्व कर देते होंगे। तो आप इन्हें चार भागों में बांट बांट सकते हैं। एक होंगे जिन टॉपिक्स में या फिर जिन सब्जेक्टों में आप बहुत ज्यादा बेस्ट होंगे, क्या होंगे, बहुत ज्यादा बेस्ट होंगे, तो आपको अपनी इस तरह से स्ट्रेटजी बनाना है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप पढ़ते होंगे, सॉल्व कर देते होंगे, आराम से सॉल्व कर देते होंगे, वो आपके सही भी जाते होंगे। वो किस प्रकार के वो टॉपिक्स होंगे, वो बेस्ट बेस्ट टॉपिक होंगे, जैसे कि प्रस्तावना से टॉपिक आ जाए, फंडामेंटल राइट्स से आ जाए, डीपीएसपी से आ जाए, संसद से आ जाए, राष्ट्रपति से आ जाए, आप हलवा की तरह लगा देते होंगे। इकोनॉमिक्स में जैसे कि जीडीपी से पूछ लिया जाए, नेशनल इनकम से पूछ लिया जाए, बैंकिंग सेक्टर से पूछ लिया जाए, आप हलवा की तरह लगा देते होंगे। इसी तरह से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में अगर जैसे नदी पहाड़ से पूछ लिया जाए तो आप लोग ऐसे फटाफट लगा देते होंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनमें आपको बहुत मजा आता होगा, बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे। दूसरी कैटेगरी क्वेश्चनों की ऐसी होगी जिनको पढ़ करके आप आपको पता होगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे आता भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार, इसका ये वाला होगा या नहीं होगा, ये वाला होगा या फिर नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन, आपने पढ़ा भी है, आपको पता भी है कहाँ से पूछा गया है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं उसमें। ओके, तो इस तरह के आपको कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, सभी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें दूसरी कैटेगरी में रख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन का मतलब है ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता है अच्छा ये टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग है, ये वाला टॉपिक है जिनमें मैं कंफ्यूज रहता हूँ, अच्छा ये वाला टॉपिक है जिन्हें मैं जानता तो हूँ, जिनका मैंने नाम तो सुना है, थोड़े सुने सुने लगते हैं, लेकिन लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब आपने इनको अभी रीड नहीं किया है लेकिन आपको पता है। ओके, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, लेकिन आपने इसको बट नॉट रीड, नॉट रीड। ओके, जैसे कि मानते हैं आपसे पूछ लिया जाए न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाए, ओके रिएक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे कि प्रथम चरण का रिएक्टर है वो किस प्रकार करता था, ओके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, आपने सुना तो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अच्छा पीएसएलबी के बारे में आपसे पूछ लिया, आप अच्छा पीएसएलबी के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं है यार इसके बारे में। इस तरह के टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा, जो आपके लिए एकदम नए होंगे, एकदम नई नामेली जैसे दुल्हन होती है उसकी तरह होंगे। ओके, जिन्हें आप और न्यू भी होंगे आपके लिए, और साथ में आपके आउट ऑफ माइंड जाते होंगे, मतलब समझ में ही नहीं आते होंगे, आउट ऑफ माइंड जाएंगे, मतलब ऊपर आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। तो इस तरह से चार तरह के चार भागों में आप इन टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेज पर हैं, अब आपको किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए। देखिए अगर देखिए इन तीन तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इन तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनमें क्वेश्चन की जो संख्या है वो लगभग में आपको देखने को मिलेगी 80 की अप्रोक्स में देखने को मिलेगी, मतलब 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन तीन कैटेगरी में आते होंगे। ओके, और आपको लगभग में 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आपके लिए एकदम न्यू होंगे, एकदम न्यू होंगे और आपके ऊपर से जाते होंगे, वो आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में तो 20 से भी ज्यादा होते हैं, 20 25 30 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर से एकदम निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी। अगर ये 80 क्वेश्चन मतलब 70 से 80 क्वेश्चन है वो अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर हम सही क्वेश्चन होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सही क्वेश्चन होने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए हम आपको अच्छे से बताते हैं, दो चीजें होती हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं सिर्फ इस कैटेगरी के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन है वो इतने आ रहे हैं, भले ही देखिए आपके जो क्वेश्चन है वो आपके 35 क्वेश्चन ही ठीक हो पा रहे हैं, कट पिट के आप 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ही टेस्ट सीरीज में सही कर पा रहे हैं, लेकिन इन तीन कैटेगरी में लगभग में 70 से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सफिशियंट है, आप यानी कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे सर 35 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में है वो हमारे सही हो रहे हैं, मतलब राइट हो रहे हैं, तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या है, हम मतलब इस बार तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए, लगभग में आपको 53 क्वेश्चन, आपको 53 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं तो आप क्या कर जाएंगे, पीटी को क्वालिफाई कर जाएंगे। और अभी आपके देखिए क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग में
आपके 35 के अप्रोक्स में, मतलब किसी के 33, 30, 33, 35, 36, 37, 38, ऐसे कट पिट के आपके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में सही होते हैं। यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, अभी आपको लगभग में 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ चाहिए। कितने चाहिए, 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को सही चाहिए करने हैं, और आपका क्या हो जाएगा, पीटी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि अगर आप अभी टेस्ट सीरीज क्वालिफाई कर रहे हैं और लगभग में अप्रोक्स में 30 से 35 38 तक आपके क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में। अब आपको क्या करना है, इन 60 दिनों में अपनी मैंने तैयारी करनी है। ओके, 60 क्वेश्चन नहीं, यहां पर 60 दिन लिख लीजिए। ओके, 60 दिन में आपको मैनेज तैयारी करनी है। जिसने 60 दिनों में अपने आप को मैनेज कर लिया, वो यहाँ पर 35 से बढ़ा करके अपने आप को ले चला जाएगा 15 से 20 क्वेश्चन आगे बढ़ा करके, लगभग में 55 क्वेश्चन कट पिट के उसके आराम से हलवा की तरह सही होने लगेंगे। लेकिन ये कैसे होंगे, आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। देखिए, अगर आप इन क्वेश्चन को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इन क्वेश्चन को 10 से 20 क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबर एक क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट आप करते हैं, इनकी संख्या कम करनी होगी। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अटेम्प्ट है, अगर आप 70, 80, 85, 90 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, तो थोड़ा सा अटेम्प्ट कम करिएगा। और दूसरा, आपको एक्यूरेसी को बढ़ाना है, मतलब आपके सही होने के जो क्वेश्चन है वो आपके ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि आपने 65 क्वेश्चन सही मतलब अटेम्प्ट किए, तो 65 में से आपको कोशिश करना है कि आपके 4, 5, 6 क्वेश्चन मैक्सिमम गलत जाएं, उससे ज्यादा गलत ना जाएं। जैसे आपने 70 अटेम्प्ट किए, तो उसमें से 10 गलत चले गए, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा गलत नहीं। मतलब एक्यूरेसी अपनी हाई करनी है, सही करने की क्षमता है वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, और थोड़ा सा आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना है। क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है, कि टाइम है वो ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। लेकिन आखिर एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं, और जो आपके जो 15 से 20 क्वेश्चन है इनको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, यहाँ पर ही आपको स्ट्रेटजी बनाना है। देखिए, जो आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर आप जो बेस्ट क्वेश्चन जो है टॉपिक्स हैं आपके, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट या फिर ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनमें आप बेस्ट होंगे। तो इनको ये मत समझिएगा मैं तो इनमें बेस्ट हूँ, एकदम सुपरमैन हूँ, इनको छोड़ दू। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ही होती है, इनको कभी भी छोड़ना नहीं है, इसका हमेशा रिविजन करना है। लेकिन रिविजन किस तरह से करना है, एमसीक्यू के थ्रू, यही स्ट्रेटजी है। देखिए, आप स्ट्रेटजी आज आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, एमसीक्यूज के थ्रू इनको रिवीजन करना है, और जिन टॉपिक्स में आप कंफ्यूज हैं, लेकिन ये आपके पढ़े हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, यहाँ पर ही आप एक्यूरेसी को और ज्यादा हाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने रिवीजन का टाइम बढ़ाना है। देखिए, रिवीजन का टाइम आपको कहाँ बढ़ाना है, नोट्स के थ्रू आप अपना रिवीजन करिए। किसके थ्रू, नोट्स के थ्रू अपना रिवीजन करिए। रिवीजन का टाइम यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज्यादा देना है। और देखिए, जो तीसरी तरह के टॉपिक हैं जिन्हें आप जानते तो हैं, मतलब सुना सुना है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपके लिए इन्हें प्रिपेयर करना है। ओके, लेकिन ज्यादा समय नहीं देना है, प्रिपेयर करना है, लेकिन ऐसे नहीं एक ही टॉपिक को लेकर के बैठ गए 3 घंटा गुजार दिया। प्रिपेयर हो रहा है तो ठीक है, नहीं प्रिपेयर हो रहा है तो छोड़ो, जय राम जी की एकदम कर लो। इन्हें आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन इन पे ज्यादा वक्त नहीं देना है। और देखिए, जो न्यू टॉपिक है और आपके ऊपर के माइंड से जा रहे हैं पढ़ने पर, तो इनमें क्या होंगे, 2 तरह के आपको टॉपिक्स खोज के रखने हैं। देखिए, ऐसे टॉपिक आपको देखने हैं, अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अगर इसमें कोई भी दिखे, तो उसको क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। क्या कर लेना है, सिर्फ रीड करना है, क्योंकि आपके ऊपर से जा रहे हैं, रीड कर लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप वो स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो आराम से लगा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब कम इंपॉर्टेंट के होंगे, उनको ऐसे काट दीजिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाइए, यानी कि जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो आपके दिमाग के ऊपर से गुजर जाते हैं, जैसे कि आपके दिमाग के ऊपर से कोई हवा गुजर गई, तो उनको छूने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि समय नहीं है आपके पास में। और जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए, तो उन पे समय ज्यादा नहीं देना है, बस एक बार पढ़ लेना है स्टोरी की तरह। जैसे कोई नोबल पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उनको इस तरह से पढ़ लेना है और पढ़ करके छोड़ देना है। और जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर जिन्हें जैसे कि ऐसे टॉपिक, जैसे हम आपसे पूछे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, तो आप कहेंगे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है यार,
मतलब पृथ्वी की कोई कक्षा होती होगी या फिर किसी ग्रह की कोई कक्षा होती होगी, कुछ कक्षा होती होगी लेकिन ज्यादा नहीं पता है। चलो मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन अब मैं पढ़ लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप इसको थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़े नहीं थे, अब आकर के पढ़ लीजिए, प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ओके, प्रिपेयर हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। और जिनमें आप कंफ्यूज हैं, जिन टॉपिक्स में, उनमें आप रिवीजन का टाइम बढ़ाइए। रिवीजन किसके थ्रू करना है? अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन करना है। तब क्या होगा, आपकी यहां पर इन दोनों में क्या होगी, एक्यूरेसी हाई होगी। ओके, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा हाई कर सकते हैं। अगर एक्यूरेसी को आप हाई करेंगे तो आपके आराम से क्वेश्चन होने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। और इधर से भी आप आराम से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है वो अपने गेन कर लेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन इधर से गेन कर लेंगे, और इधर से आप लगभग में यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन इधर से भी आप गेन कर लेंगे। और आपका बड़े आसानी से, बड़े प्यार से यहाँ पर काम चल जाएगा, आपको कुछ भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जब भी आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं, ओके, जब भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं या फिर एमसीक्यू उसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए आपके दो तरह के क्वेश्चन होते होंगे, जो देखिए आपके राइट होते होंगे, मतलब आपके सही होते होंगे, दूसरा आपको देखने को मिलेंगे जो रॉन्ग होते होंगे, मतलब आपसे गलत होते होंगे। राइट होते हैं वो तो कोई उनमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, उनको एमसीक्यू के थ्रू लगाते रहिए। लेकिन रॉन्ग होते हैं मतलब गलत होते हैं, या फिर आपसे नहीं होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो रॉन्ग हो रहे हैं, मतलब गलत हो रहे हैं, या फिर आपके आपसे हो ही नहीं रहे, मतलब समझ भी नहीं आ रहा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए उनमें एक तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि वो फैक्चुअल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फैक्चुअल हो सकते हैं, फैक्ट्स वाले हो सकते हैं। जैसे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी है उसकी सहायक नदियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 3 है 2 है, मतलब फैक्चुअल हो सकता है। ओके, डेट पूछ सकता है, लंबाई पूछ सकता है, चौड़ाई पूछ सकता है, संख्याएं पूछ सकता है, यानी कि फैक्ट है। तो फैक्ट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, फैक्ट को ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में फैक्ट तो वैसे ही कम पूछता है। तो अगर टेस्ट सीरीज में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया है वो आपसे नहीं हो रहा है तो आप खुश हो जाइए, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो ना हो। ओके, ना नहीं हो रहा है तो ना हो। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा बेसिक क्वेश्चन जो आपसे गलत हो रहे होंगे। देखिए अगर बेसिक क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, यही समस्या क्रिएट करेगा। आपको कभी भी जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इन्हें गलत नहीं होने देना है, तो इन्हें आपको क्या करना है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। क्या करना है? थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। ये वाले गलत हो रहे हैं, ये वाले नहीं हो रहे हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो रहे हैं इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, फैक्चुअल पर मत जाइएगा, छोड़ दीजिए। मतलब आरती सर की बात मान लीजिए, बोली कोई बात नहीं, आरती सर ने मना कर दिया तो हम नहीं देखने वाले। ओके, अब मुड़ करके नहीं देखना है। तो आपको इसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, और अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आराम से आप 20 क्वेश्चन है वो इम्प्रूव कर ले जाएंगे, 20 क्वेश्चन एकदम हलवा की तरह इम्प्रूव कर ले जाएंगे। और लगभग में आपके 35 क्वेश्चन पहले ही ठीक हो रहे थे, मिला लीजिए आराम से। ये 20 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरह से अपने टॉपिक्स को आपको खोजना पड़ेगा, उन पर इस तरह से वर्क करना पड़ेगा कि आपको किसको प्रिपेयर करना है, किसको रीड करना है, किसको रिविजन करना है, किस पर एमसीक्यू, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाना है। अगर इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे जिंदगी में कभी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी मेरे 33 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 34 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं या फिर 28 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो मैं अभी क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही करना है। ओके, जब भी आप देखिए क्वेश्चन लगाते होंगे तो बेस्ट और कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन की अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग में 55 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के क्वेश्चन होते होंगे, इस प्रकार के 55 क्वेश्चन होते होंगे जिनमें आप बेस्ट होते होंगे या फिर जिनमें कंफ्यूजन होते होंगे। और लगभग में 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें जिन्हें आप या तो कभी सुने नहीं होते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं लगभग में 30% जिनका नाम सुना होता है लेकिन उनके बारे में पढ़ा नहीं होता है। इधर आपको 55 से 60 क्वेश्चन लगभग में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए अगर आप इस ट्रेंड पर हैं, इस तरह की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है, कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है कि मैं विजन की टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, इनसाइट की टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, आइस बाबा की टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, और लगभग में मेरे 35 के आसपास 30 35 40 या फिर 45 क्वेश्चन ही ठीक हो पा रहे हैं, और मुझे तो लगभग में 55 60 करना है, 80 करना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, तो आपको इसी स्ट्रेटजी पर चलना है और आप लोग आराम से पीटी क्वालिफाई कर देंगे बिना किसी दबाव के, अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर चलेंगे। हमने आपसे बोला था ना कि आप इस स्ट्रेटजी पे काम करिएगा, और इस स्ट्रेटजी को जिसने समझ लिया, जिसने लिख लिया, उसको जिंदगी में पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पीटी का पेपर आ गया है, 60 दिन का समय बचा है, 90 दिन का समय बचा है, मैं क्या करूं और कितना क्वेश्चन मुझे ठीक करना है, टेस्ट सीरीज में इतना क्वेश्चन ठीक हो रहा है,
सारे क्वेश्चनों के आंसर मिले। हम आपसे बोले थे ना, जिसने इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखा उसको जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप लोग विजन की टेस्ट सीरीज डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर विजन 365 डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप लोग फॉरम आईएएस या फिर और कोचिंग की भी स्टडी मटेरियल जैसे कि आईएएस बाबा है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जाकर के आप लोग इसमें जा सकते हैं। और यहाँ पर ही वो आपकी एक वीडियो चल रही है, ये वाली जो आप देख सकते हैं, विजन 365 पीटी 2022 इन हिंदी में हम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू इंटीग्रेटेड स्टडी करने के साथ में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही डीप डीप नॉलेज के साथ में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग इनको आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोगों की चल रही है, विजन की अभी रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पर विजन 365 पढ़ाने लगे, लेकिन बीपीएससी की तीसरे मैम के द्वारा हर दूसरे दिन दी जाती है, आप लोग जानते हैं मंडे को, वेनेसडे को और फ्राइडे को 10 बजे आप लोगों को मिलती है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 4 अप्रैल से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अचीवर बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो फीस है अभी 2000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम रखी गई है, सिर्फ 99 रुपए प्रति माह में आप लोग आकर के एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लब आईएएस एस्पिरेंट। आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक होम का ऑप्शन दिखेगा, बैचेस का दिखेगा, स्टोर का दिखेगा। आप लोग स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड फाउंडेशन बैच दिखेगा, ये हमारा ओल्ड बैच है, इसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। हमारा जो नया बैच है वो अचीवर बैच है, इसमें आप लोग आकर के एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2376 रुपए है, लेकिन अगर आप लोग RG9 कोड का उपयोग करेंगे तो आपको 60% का हैवी डिस्काउंट किया जाएगा और इसकी जो फीस है वो सिर्फ 999 रुपए हो जाएगी। एक इसमें और ऑप्शन अब नया ऐड करा दिया गया है, अगर आप लोग मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग 99 रुपए प्रति मंथ यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये कोड है, इस कोड का आप लोग उपयोग कर सकते हैं RG9, तो यहाँ पर 60% के इस तरह से आप लोगों को डिस्काउंट दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ A to Z यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी जानकारी दी गई है कि किस सब्जेक्ट पर आपकी कितनी कितनी क्लासेस हैं वो चलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसके लिंक दे दिए जाएंगे, वहां पर जाकर के हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पर, या फिर व्हाट्सएप पर भी आकर के हमसे पूछ सकते हैं, हमारी ऐप पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो डेमो वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर भी पड़ी, हमारी ऐप में भी पड़ी है, कहीं से भी देख सकते हैं। तो क्लब आईएएस एस्पिरेंट आपको हमारा चैनल मिलेगा, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है अचीवर बैच फॉर आईएएस एंड पीसीएस, इसमें देखिए बहुत सारी डेमो वीडियो जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी और प्लेलिस्ट है, इनको भी जाकर के रिविजिट कर लीजिए, तो आपको बहुत कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, और आपके सभी डाउट्स अगर क्लियर हो गए तो एक प्यारा सा कमेंट करके अपना प्यारा सा फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए यहाँ पर हम चलते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर ही वीडियो को फिनिश करते हैं।